गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 6:40 हुए हैं। आज तारीख क्या एक बार देख लेने दो, आंखें मेरी ढंग से नहीं खोली मैंने। हाँ, 27 तारीख है आज। तो वैसे तो मैं कुंभकर्ण का फ़ैन हूँ, नींद बड़ी अच्छी लगती है और वो भी सुबह सुबह की। हमारे यहाँ पे कहते हैं कोकली नींद, तो इस टाइम की तो नींद बड़ी प्यारी होती है। तो अभी मैं वॉशरूम वगैरह होके आता हूँ, उसके बाद जिम जाना है तो उसके लिए भी तैयार हो लेते हैं। तो सुबह सुबह सबसे पहला काम तो ये है कि मैं पानी पीता हूँ, दैट्स ल्यूक वार्म वाटर। ठीक है, हमारे हरियाणा में निवाया पानी कह देते हैं इसको, गुनगुना पानी कह लो आप। तो सुबह सुबह सबसे पहले बिना कुछ करे ये पानी पीने से थोड़ा सा बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो थोड़े से साफ़ हो जाते हैं, तो इसलिए रोज़ मैं सबसे पहले ये पीता हूँ। मैं हो गया हूँ जिम के लिए रेडी और आपकी मैम डर गई हैं। ठीक है, ये अपना किचन का काम कर रही हैं और हमारा किन्नी बाबू, इसको सुबह सुबह यही है, डिस्टर्ब मत करो, बोलो मत, और ये इसके बस फ़ोन पे कुछ ना कुछ चलाकर इसको दिखाते हैं। तो अब मैं निकलता हूँ जिम के लिए, ऑलरेडी पहले ही लेट हो रहा हूँ, लेकिन बस इसको ये है कि हाँ पापा जा रहे हैं तो मेरे को लेके चलो साथ में, बहुत रोता है। दोस्तों ये मेरी प्री वर्कआउट डाइट है, मैं 2 केले खाता हूँ। तो कभी भी जिम में खाली पेट नहीं जाना चाहिए, ठीक है, हमेशा या तो एक एप्पल, वो कहते हैं ना एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो उसी तरह या तो आप कुछ खा लो, क्योंकि खाली पेट जाओगे तो दिक्कत हो जाती है। ये देखो कियान बाबू ने चलना शुरू कर दिया, ये थोड़े से बेबी स्टेप्स ले लेता है, लेकिन अभी अच्छे से चलना स्टार्ट किया नहीं है। अभी थोड़ा बहुत हाथ छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह बिना सपोर्ट के निकल लेता है। तो आ गया है हमारा जिम, ये रोहतक का सेक्टर 3 बोलते हैं इसको। तो ये देखिए वो मेरा जिम है, ठीक है, मुझे नहीं पता यहाँ पे अलाउ होता है नहीं होता, कई लोग इतने कैमरा कॉन्शियस होते हैं ना कि नहीं करवा पाते कैमरा में, ना कहते हैं भाई मारी क्यों खींचा है फोटो हैं, तो टाल कर देंगे। अभी जो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं वो तो एक है, जब भी जिम जाएं आप अपना टॉवल ज़रूर साथ रखें, ठीक है, तो देखते हैं। तो भैया आ गए हैं जिम से वापस, लंका लग जाती है भाई, कहने की सो बात है। दोस्तों अभी अभी ना एक बड़ा मज़ेदार सा शेर सुना है, मैं भूल जाऊंगा तो लिरिक्स भी इधर उधर हो जाएं तो माफ़ करना, मैं बता देता हूं फिर भी जितना मेरे को याद है कि भाई टांग खींच लो आगे बढ़ने वालों को रोक दो, टांग खींच लो आगे बढ़ने वालों को रोक दो, सीने में नहीं तो पीठ में खंजर भोंक दो, सीने में नहीं तो पीठ में खंजर भोग दो, जो कील की तरह चुभते हैं तुम्हें, जो कील की तरह चुभते हैं तुम्हें, हथौड़ा बनकर उनकी ठोक दो।
ठीक है, तो बड़ा सही लगा आज के परिवेश में, बड़ा सही ये शेर बैठता है। तो अब मैं भी इस परिवेश में रहते हुए घर पहुंचता हूं और देखता हूं कि ज़िंदगी मेरी आगे कैसे कैसे ठोकती है। ठीक है, तो हम आ गए हैं घर, लाइट गई, क्या नहा चुका जी? अच्छा, बाल भाएगा अभी, बाल भाई। और ये गौरव को देखो भैया आप, जैसे ही लाइट आएगी ये अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए खड़ा है, देखो अपनी वीडियो देखने लग रहा है। कियान और मैं अखरोट खा रहे हैं। तो भाई कियान चलने लग गया फाइनली, मुबारक हो। ठीक है, बिना सहारा लिए फाइनली आज थोड़ा सा इसको कॉन्फिडेंस आने लग गया अपनी वॉकिंग पे। तो अब बज गए पूरे 12, मतलब मेरे 12 नहीं बजे हैं, 12 बजे का टाइम हो गया। और ये मेरा थोड़ा सेटअप जो है ये देख लो, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा पहले, है ना। तो ये यहाँ पर मैं विराजमान होता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा बैठ के रिलैक्स भी महसूस होता है। और थोड़ा नीचे बैठने में ये है, कमर में हल्का फुल्का पेन हो तो अपने थोड़े पसर जाओ, है ना। किसी को कौन सा हमने वो लिखित में देना है कि हमारा डेकोरम बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। और ये मंदिर है, तो ये ऑफिस का, ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, स्टैंड है, ये वही है, पिछली वीडियो का अब तक क्विज वाला पार्ट लिखा हुआ है। और ये मेरा सिस्टम है देखो, तो इसमें मतलब भड़क तो बहुत हुई है, ये सिस्टम बनवा के लाया नेहरू प्लेस से, तो लग गया इसमें एक पेटी से ऊपर का खर्चा हो गया, लेकिन फिर भी स्पीड उतनी अच्छी आ नहीं रही जितनी मैं सोच रहा था। तो इसको और मैं थोड़ा सा अपग्रेड करवाने की सोचूंगा, लेकिन ये भी नहीं पता ना कि ये जो कैबिनेट है इसमें वो चीज़ आ पाएगी नहीं आ पाएगी। हालांकि हल्का फुल्का गेमिंग का इंटरेस्ट था कि भाई पबजी टाइप का कुछ गेम हम भी खेलेंगे, बचपन में बतेरे खेले, लेकिन अब थोड़ा सा ये था कि भाई फ्री हो के, अभी कोई डांटने वाला नहीं है तो खेल के देखेंगे। लेकिन फिर वही है, टाइम ही नहीं मिल पाता, कभी यूट्यूब की वीडियोस, कभी कुछ कभी कुछ। तो जो भी मन में आ रहा है ना, मैं तो एक बात कहता हूँ कि एक बार करके ज़रूर देखो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा काम है आज, जो यहाँ पर मेरे साथ काम करते हैं ना वो एडिटर भाई है बहादुरगढ़ का विक्रम, तो वो आज आया नहीं, तो आज थोड़ा सा काम मेरे को ही संभालना पड़ेगा। तो देखता हूँ कितना मैं कर पाता हूँ, ठीक है, फिर थोड़ी गुफ्तगू करते हैं आपसे। तो 1 बज गया और मुझे खाना अब नसीब हुआ है, ठीक है, खाना बन गया था, आपको टाइम अब मिला है। हाँ, जो भी है, मैंने शिकायत की वो लगता है तो शिकायत लगता है, लेकिन वो ऐसा है नहीं, टाइम ही नहीं मिला लगता है। चलिए, जो कियान है वो बड़ा खुश रहता है, अभी सो के उठा है, नींद बहुत खराब हुई है, तो नींद खराब हो गई क्योंकि आज हमारे सोसाइटी में, जैसे कल रात को भी लाइट चली गई थी, आज भी आ रही है जा रही है, तो बस समझ नहीं आ रहा। तो भाई लोग, आज तो लाइट ने बिल्कुल बढ़िया बंदोबस्त कर रखा है हमारा पूरा। ये देखो, वीडियो बनाने की सोची थी लेकिन पूरा अंधेरा कायम रहे, रात को भी लाइट की प्रॉब्लम थी, आज तो सारा ही लाइट ने बिल्कुल चक्का जाम कर दिया, वो हाईवे वाला काम हो गया। कियान को भी बाहर खड़ा किया हुआ है, तो बस वही है, नज़ारे देखो पीछे सब सुनसान पड़ा है ना। पार्क सही है वैसे, सर्दियों में मज़ा आएगा इसमें बैठने का, टाइम लगा तो। कियान, चोट लग गई, कैसे लगी, कैसे लगी बताओ, बताओ कैसे लगी चोट, सिर पे कैसे? ये जो आप सामने देख रहे हैं ना पीछे, वहाँ पर जो आपको लड़का दिखाई दे रखा है वो भी मेरे गौरव की तरह ऑटिस्टिक है, तो कहीं ना कहीं बालकनी में थोड़ा सा ओपनिंग को जब लगता है तो अच्छा महसूस करते हैं। कियान, कियान कहाँ है, कहाँ है कियान, ये रहा, अरे वाह। तो भाई ये पावर बैकअप सोसाइटी प्लान, ये सारे मतलब झूठे वादे साबित हुए, क्योंकि
कई बार बीच बीच में पहले भी हुई है, दो चार मिनट की तो चलो आदमी ओट ले किसी तरह, लेकिन अब जब काम के बीच में ये चीज़ें होती है ना, बड़ी खुंदक चढ़ती है एक नंबर की। ठीक है, अब हो गया एक घंटे के आसपास बैठे हैं यहाँ बालकनी में, ठीक है, लेकिन बालकनी में भी बंदा कितना बैठेगा, कितना वो करेगा जब काम नहीं हो रहा हो तो इंतज़ार ही इंतज़ार चल रहा है आज तो। जे ढक्कन, जे जे मेरे चश्मे, बस यही रह गया बच्चों के साथ तो अब। हाँ देखो भाई, जब कभी मैं ऑफिस में आता हूँ तो भाई साहब दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं कि हमका अंदर ले हो। दोस्तों अब बज गए हैं शाम के 7:30 और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरा नाश्ता भी यहीं पर हो जाता है, काम भी करता रहता हूँ नाश्ता भी हो जाता है। अभी 6 बजे एक लाइव क्लास थी वो ली है और अभी 8 बजे एक और लाइव क्लास है वो भी लेंगे। तो ये जो कमरा है ना कहीं मेरा घर तो यही है परमानेंट। ठीक है, कभी कभार होता है कि मतलब सारा दिन मैं यहाँ पर ना हूँ, वैसे यहाँ आने के बाद तो ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि आना ही पड़ता है और फिर अपने जाके रात को भी 11, 11:30, 12 बजे जाते हैं मुझे सोते सोते। और अब अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा तो और भी टाइम खपेगा, है ना। तो देखते हैं समय कैसे निकाल पाता हूँ, चीज़ें कैसे मैनेज हो पाती हैं। आप भी आओ खाना खा लो, मैं तो रात को देखो सिंपल 2 रोटी खाई अपनी और छोटी थोड़ी सी सब्जी और सैलेड ज़रूरी है क्योंकि जिनका पेट ठीक नहीं रहता उनके लिए तो सैलेड भैया रामबाण है। तो रोटी वोटी खा लेते हैं, खाना वाना पी लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो ये क्लास स्टार्ट हो रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा ये देखिए ऐसे ये हमारी लाइव क्लास चलती है। ठीक है, अभी 8 बजे का बैच है, 6 बजे का बैच मैं ऑलरेडी निपटा चुका हूँ तो इस बैच को भी ऐसे ही निपटाता हूँ मैं, देखते रहिए। बिल्कुल सही है सबका, ठीक है। ये जो आसान आसान वाले हैं इनको थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, कि मैं गाना गा रहा था, क्लियर। ओ भाई भाई हो गई है लाइव क्लास पूरी। होता पता है क्या, लगातार 1 घंटा जब बोलना पड़ता है ना तो मतलब गले की बैंड बज जाती है और लिटरली ये लगाओ कि जब एक दिन में दो दो आपकी क्लासेस होती हैं तो बस गला ऐसा करता है भाई मुझे छोड़ दे, अल्लाह के नाम पे छोड़ दे, भगवान के नाम पे छोड़ दे, तो पसीना आ जाता है हर जगह। ठीक है, सारी दुकान गीली हो जाती है। आज की ये जो भी वीडियो है यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप बताइए मुझे कि कैसी लगी है व्लॉग, मुझे जितना समझ आया मैंने करने की कोशिश की और मेरा फर्स्ट टाइम है तो कुछ ऊंच नीच हल्की फुल्की हो गई हो तो ज़्यादा बुरा भला मत सोचना, ठीक है। और बताना मुझे अगर कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे करनी चाहिए, कुछ और चीज़ें जो मैं ब्लॉगिंग में कर सकता हूँ तो आप लोगों की सजेशन भी मैं चाहूँगा आप कॉमेंट में दें, ठीक है। तो थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसको लाइक तो ज़रूर कर दो और शेयर भी कर दो अगर आपको लगता है कि जो मेरी मेहनत है जो मैं कर रहा हूँ आप सबके लिए इस चैनल पे उस चैनल पे, उसको थोड़ा सा अगर प्यार मिल जाए तो बहुत खुशी होगी। तो जुड़ जाइए मेरे साथ इस नए यात्रा में, ठीक है, और आप सबका साथ मुझे मिलता रहेगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे। ओके, सो गुड नाइट, टेक केयर, कल मिलेंगे अगर सब कुछ सही रहा तो। बाय बाय।